नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हरियाणा में अब तक जहां भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने अभी तक केवल 6 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पल पल के दर्शकों को हम उन 6 सीटों के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं तथा यह बताने जा रहे हैं कि किन स्थानों पर किन का आपस में मुकाबला होगा। सबसे पहली सीट है रोहतक की। रोहतक से 3 बार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके अरविंद शर्मा से है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वह झज्जर जिले के रहने वाले हैं तथा उन्होंने रोहतक से BDS की है। दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। दूसरी सीट है सिरसा की, जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 2009 में वह सांसद बने थे, मगर 2014 में वे हार गए थे। इस बार उनका मुकाबला भाजपा की तेज तर्रार मगर नई उम्मीदवार और IRS रही सुनीता दुग्गल से है। तीसरी सीट फरीदाबाद की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला ललित नागर से है, जो कांग्रेस के नए उम्मीदवार हैं। चौथी सीट है गुड़गांवा की। गुड़गांवा पर दिग्गज नेता राव इंद्रजीत का मुकाबला कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव से होने जा रहा है। दोनों अहीर जाति से संबंधित हैं और तथा क्षेत्र में दिग्गज नेता हैं। यह मुकाबला भी दिलचस्प होगा। पांचवी सीट अंबाला की है, जहां कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रतन लाल कटारिया को पुणे से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मोदी लहर में पुणे जीतना चाहती है। वहीं छठी सीट है भिवानी की, जहां चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी पुणे चुनाव मैदान में है तथा उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर से है। यह मुकाबला भी दिलचस्प होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब तक हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने जो दूसरे उम्मीदवार उतारे हैं उनके नाम आ गए हैं, जिनके बीच आपस में मुकाबले होने जा रहे हैं। हालांकि इनेलो JJP अभी उम्मीदवार घोषित करेगी, मगर अधिकांश स्थानों पर वे मुकाबले को तिकोना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह तो देखने वाला होगा। आज के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।